नमस्कार साथियों, हमारे YouTube में सभी का स्वागत है। कल चुनाव का दूसरा दिन है। कल दूसरे चरण में लगभग सभी राज्यों में चुनाव की लगभग 80 से ऊपर सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इंडिया गठबंधन को जिताएं, क्योंकि लगभग बीते गत लगभग 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। उसने किसानों का ना ही कोई योगदान किया, ना ही युवाओं को रोजगार दिया, इसलिए किसान को ना ही MSP मिल सकी, ना ही उसकी आय दोगुनी हो सकी। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, वो भी खोखला साबित हुआ। 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, 1 लाख रोजगार भी नहीं दे पाई सरकार। BEd, BTC जो लगभग 3 साल का कोर्स होता है, इसी प्रकार नर्सिंग के कई कोर्स होते हैं लगभग 3-3, 4-4 साल के। उसके बाद TGT, PGT ये भी कोर्स होते हैं, और रेलवे, पुलिस और ऐसी अन्य कई वैकेंसियां जिसमें कई पद हैं जो रिक्त हैं, लेकिन सरकार ने 10 साल में न तो कोई भर्ती करी और ना ही उन पदों को भरने का कार्य करा। केवल कुछ वैकेंसी निकाली जिसमें पेपर लीक हो गए और सरकार को मौका मिला दोबारा पेपर कराने में। ऐसे लगभग 10 साल यूं ही निकल गए और युवाओं को ना ही रोज़गार मिला, ना ही किसानों को MSP मिल पाई, और ना ही गरीबों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। गरीब गरीब होता गया, और 5 किलो अनाज और किसानों को 2,000 रुपये किस्त में डाल के किसानों को प्रभावित करना चाहती है सरकार। लेकिन खादों पे जो मूल्य बढ़ गया है और अन्य जो दवाई छिड़काव को आती हैं उन पे भी मूल्य बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल पे मूल्य बढ़ा है, ये सरकार नहीं देख सकी। ये तभी संभव हो पाएगा जब दूसरी सरकार चुनेंगे। नई सरकार जब इंडिया गठबंधन की चुनी जाएगी तो वो युवाओं के लिए कार्य करेगी, किसान वर्ग के लिए कार्य करेगी, मजदूर और श्रमिकों के लिए कार्य करेगी। उसमें MSP के सही दाम दिलवाएगी, युवाओं को लगभग 30 लाख वैकेंसियां जो सरकार आते ही मिल जाएंगी, और लगभग श्रमिकों को जो मनरेगा का जो कार्यक्रम चलता है उसकी जो दिन निश्चित किए जाएंगे और उनकी जो मूल्य है जो प्रतिदिन का होता है वो लगभग 400 से ऊपर दिया जाएगा, और उनकी पेंशन सुनिश्चित की जाएगी, और महिलाओं को भी कई योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। तो ये नई सरकार जो गठबंधन की चुनी जाएगी उसमें संभव हो पाएगा। BJP ने लगभग 10 सालों में किसान और बेरोजगार और श्रमिकों और महिलाओं के साथ कुछ बेहतर काम न कर पाने के कारण ये सरकार एक तरह से फेल साबित हुई है। लेकिन BJP एक चीज़ में ज़रूर माहिर है, जब अगर बीच का मामला होता है, जैसे सांसद बराबरी पे जीतते हैं तो जोड़ तोड़ करने का कार्य कर सकती है। इसलिए लगभग 425 सीटें इंडिया गठबंधन को दिलाएं और 119 सीटों पे BJP को समेटा जाए, तब ये संभव हो पाएगा। अगर मामला आसपास का रहा, यदि BJP लगभग 180 या उससे ऊपर क्रॉस कर जाती है तो सांसदों की खरीद फरोख्त होना शुरू हो जाएगी
और दोबारा बीजेपी सत्ता में आ सकती है। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस इंडिया गठबंधन को दें। इंडिया गठबंधन में कई सारी पार्टियां हैं जो कि युवाओं के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, न्याय के लिए साथ खड़ी हैं, और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब इंडिया गठबंधन अच्छे मतों से जीत हासिल करेगा। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन आप उसे भारी बहुमत से विजयी बनाएं, और अपने देश को यदि आगे ले जाना चाहते हैं तो बीजेपी को हटाना अत्यंत आवश्यक है। बीजेपी सरकार ने लगभग अपने देश को 20 साल पीछे कर दिया है। धन्यवाद साथियों।